तो देखो ये हमने सारा डाटा एंटर कर लिया टेबल में। सो ये हमारा अब नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स। तो अब मैं यहाँ पे हमारे पास ये आगे टाइटल्स और नीचे आ गया हमारा डाटा। सो दिस इज योर 1.3 टॉपिक ऑन पेज नंबर 6 जिसमें हमने था एंटरिंग अ डाटा इन टेबल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफाइंग अ टेबल। अब हमने टेबल के अंदर थोड़ी चेंजेस करनी है। सपोज मेरे को लग रहा है कि मुझे कॉलम ऐड करना है जिसमें सेक्शन ना लिखा हो। 8th लिखे मुझे सेक्शन का पता नहीं चल रहा। अब मुझे देखना है कि मुझे सेक्शन ऐड करना है। अब मैं सेक्शन कैसे ऐड करूंगी? मैं लेआउट टैब पे जाऊंगी। पहले मैंने क्लास पे इसलिए क्लिक किया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहां तो रोल नंबर वाले पे क्लिक करूंगी तो मैं लेफ्ट वाली साइड पे कॉलम इंसर्ट करना चाह रही हूं। मैं यहां पे नहीं चाह रही कि मेरा सेक्शन इंसर्ट हो, इसलिए मैंने यहां पे क्लिक किया। अब लेआउट टैब में जाके रोज एंड कॉलम्स ग्रुप है, जो हमारा मैक्सिमम चीजें जो हमारी टेबल क्रिएटेड है यहां पे आपको मिल जाएंगी। अब ये देखो यहां पे क्या है हमारा इंसर्ट लेफ्ट। अगर मैं चाहती हूँ कि क्लास के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा तो ये लेफ्ट उधर हो जाएगा। मैं चाहती हूँ इंसर्ट राइट, तो ये देखो यहां पे मेरा एक कॉलम इंसर्ट हो गया। नाउ आई कैन नेम इट एज सेक्शन। सेक्शन अब मैं इसके अंदर डाटा डाल सकती हूँ सेक्शन, ठीक है। अब यही अगर मुझे इसके अलावा कोई और ऐड करना है, सपोज रोल नंबर की लेफ्ट में ऐड करना है, तो मैं यही इस पे क्लिक करके लेआउट में जाके इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगी। सो आई कैन इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड, राइट साइड यूजिंग रोज एंड कॉलम्स ग्रुप इन द लेआउट टैब। अदर वे टू क्रिएट अ कॉलम, अब ये वाला तो हमने क्रिएट कर लिया। अब अदर वे क्या है? सपोज मुझे ये वाला लेआउट टैब भूल गया। अब मुझे इजी मेथड ढूंढना है। मैं यहां पे सेक्शन पे जाके राइट माउस की राइट साइड से क्लिक करूंगी, राइट बटन को क्लिक करूंगी, यहां पे इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है। तो यहां पे देखो सारी ऑप्शंस है, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट। तो मैं यहां से क्लिक करूंगी तो इंसर्ट लेफ्ट में हो जाएगा। ये देखो अगर राइट पे चाहूंगी तो मैं राइट पे हो जाएगा। नेक्स्ट ये था हमारे इंसर्टिंग कॉलम्स इन टेबल। नेक्स्ट वी कम टू इंसर्टिंग रोज इन टेबल। अब मैंने रो को इंसर्ट करनी, तो कॉलम था, अब मैंने रो को इंसर्ट करता है, तो अब फिर से मैं यहीं पे करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये किरण वाली जो रो है इसके बाद मेरा रो इंसर्ट हो जाए। तो अब मैं कैसे रो इंसर्ट करूंगी? ये वाली लेआउट पे जाके इंसर्ट रो ब्लू। सी मेरी रो आ गई यहाँ पे। मैं इंदर के ऊपर भी रो इंसर्ट कर सकती हूँ, अलीजा के ऊपर भी रो इंसर्ट कर सकती हूँ, कहीं पे भी कर सकती हूँ। सो दिस इज माय विश, मैं जहां मर्जी रो इंसर्ट कर सकती हूँ। अब मैं रो में कुछ भी डाटा डाल देती हूँ, सैम, एट, बी, रोल नंबर 2, और यहां पे मैं चेंज कर देती हूँ रोल नंबर 23, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। यहां पे मैंने मार्क्स एड ऑन कर दिए, ठीक है जी। तो मेरा टेबल फिर से कंप्लीट है। तो मुझे ये नहीं करना पड़ा कि अगर मुझे नई रो इंसर्ट करनी तो मुझे नया टेबल बनाना पड़ेगा। मैं उसी के अंदर मॉड्यूलेशन करके, मॉडिफिकेशन करके नई रो इंसर्ट कर सकती हूँ, नई कॉलम। कॉलम जो है वो लेफ्ट राइट में इंसर्ट हो जाएगा और जो रो है वो अबव एंड बिलो। अब मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, लेआउट टैब के अंदर इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ये दोनों रोज के लिए है। इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये दोनों कॉलम्स के लिए। जिस तरह से मैंने शॉर्टकट आपको कॉलम्स के लिए बताया था, इसमें भी सेम शॉर्टकट है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी राइट पे, राइट इन साइड राइट बटन क्लिक करूंगी माउस का, तो यहाँ पे मुझे रो की ऑप्शन भी है, इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रोज बिलो। सो दैट इज माई विश। अब मैंने किया तो देखो सैम के नीचे वाली रो इंसर्ट हो गई। सो दैट इज माई विश, मैं किस तरह से उसको इंसर्ट करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंसर्ट अ सेल। अब मैंने कोई सेल इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? सेल क्या था मेरा, जैसे ये एक सेल है, ये सेक्शन बी वाला सिर्फ एक सेल है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब यहां पे मैं चाहती हूँ एक सेल इंसर्ट हो जाए, तो अब सेल कैसे इंसर्ट करना है मुझे? अब मैं वही सेम ऑप्शन में यूज कर सकती हूँ, राइट क्लिक किया, इंसर्ट सेल्स, तो ये देखो मेरे पास क्या आ गया, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, इंसर्ट राइट रो, इंसर्ट एंटायर कॉलम। अब मैं इसमें से सपोज शिफ्ट सेल्स राइट कर दी, अब ये देखो सिर्फ एक कॉलम में सिर्फ एक सेल शिफ्ट हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ। अब यहां पे देखो हमने क्या किया, इंसर्ट सेल किया, तो सिर्फ एक कॉलम में जहां से मैंने सेल किया सिर्फ वही चीज शिफ्ट हुई, बाकी का सारा टेबल मेरा एज इट इज रह गया। अब मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड करके उसको अंडू कर दिया। सो दिस इज द इंसर्टिंग सेल्स इन योर टेबल। अब ये हमने इंसर्शंस तो कर ली, इंसर्टिंग कॉलम, इंसर्टिंग रो एंड इंसर्टिंग सेल्स। अब हमने डिलीशन वाली साइड पे जाना है, डिलीटिंग रोज, डिलीटिंग कॉलम्स एंड डिलीटिंग अ सेल। तो अब डिलीटिंग कॉलम कैसे चलेगा? नाउ वी मूव ऑन टू
अब यहीं से देखो हमारे पास डिलीट की ऑप्शन नजर आ रही है आपको, यहां से। अब हमने सपोज मैंने यही सेक्शन वाला कॉलम मैंने जो है वो डिलीट करना है। अब मैं डिलीट पे जाऊंगी, देखो एरो डिलीट सेल्स डिलीट कॉलम, मैं डिलीट कॉलम इस पे जाऊंगी तो मेरा डिलीट कॉलम सेक्शन वाला कॉलम जो है वो मेरा डिलीट हो गया। सपोज ये हमारी एक चीज है। अब यही चीज को अगर मैं कहूं मैं आपको दूसरा वे दिखाऊं तो ये देखो सेक्शन है मेरे पास। अब मैं राइट क्लिक किया डिलीट सेल्स, अब ये डिलीट एंटायर कॉलम तो भी मेरा ये कॉलम डिलीट। सो दीज आर द टू वेज टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिलीटिंग अ रो। अब रो को डिलीट करना है, सपोज ये मुझे सैम वाली रो को डिलीट करना है तो मैं सैम वाली रो को सिलेक्ट कर लूंगी, डिलीट पे गए, लेआउट टैब के अंदर डिलीट, डिलीट रो, तो रो डिलीट होगी। सेकेंड वे टू डिलीट अ रो, सैम वाली रो को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट सेल्स, डिलीट एंटायर रो, ओके तो मेरा ये वाली रो भी डिलीट हो गई। सो दीज आर द टू वेज टू डिलीट अ रो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिलीटिंग अ सेल, तो वही सेम ऑप्शन से हम यहां पे जाएंगे, लेआउट टैब में गए, डिलीट पे गए, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल डाउन, हम यहां से मैं कर लेती हूँ डिलीट। तो वो देखो जो इंद्र नाम नेम था, जो नेम था वो सेल डिलीट हो गया और यहाँ पे मेरी रो जो है वो छुट्टी हो गई। सो हम कंट्रोल जेड, ताकि हमारी टेबल की फॉर्मेशन ना खराब हो इसलिए मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। सो अभी तक हमने क्या स्टडी किया मॉडिफिकेशन में, डिलीटिंग एंड इंसर्शन ऑफ रोज कॉलम्स एंड सेल्स। सो लास्ट ऑप्शन इज डिलीटिंग अ टेबल, ये देखो यहाँ पे डिलीट टेबल, तो ये मेरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ। आई विल शो यू दिस, सी तो माय टेबल हैज गॉट डिलीटेड। अब मुझे वो टेबल चाहिए अभी तो इसलिए मैं कंट्रोल जेड करके उसको अंडू करके मैं वापस लेके आ सकती हूँ। तो अगर आपसे गलती से भी डिलीट हो जाएगा